हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का जो 2022 का एग्जाम जो चल रहा है टायर वन, उसके एक्सेप्टेड कट ऑफ की बात करेंगे और ये सभी बातें करेंगे जो कि कितना सेफ स्कोर है आपका इस एग्जाम में, कितना आपने अगर स्कोर किया है आपके हिसाब से तो आप सेफ जोन में हो, आप प्री क्वालिफाई कर चुके हो। तो कई सारे जो पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इन सभी सेफ स्कोर और कट ऑफ की हम बात करेंगे। प्रीवियस कुछ कट ऑफ को भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में क्या क्या कट ऑफ रहे हैं, उन सभी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में पूरा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं स्टूडेंट, तो जुड़े रहिए आप लोग। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और इस पर्टिकुलर जो चैनल है इसका इसमें सब्सक्राइब करने से आपको जो क्लासेस हैं वो तो मिलेंगे ही, साथ ही नोटिफिकेशन जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आपका वो हमेशा आपको मिलता रहेगा। जैसे ही नोटिफिकेशन कोई आता है आपके पास पहुंच जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिख करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो। साथ ही इस वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसको लाइक जरूर कर लेना। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करते हैं सेफ स्कोर कट ऑफ की। तो आपको पता है कि ये हमारा टायर वन का एग्जामिनेशन का सिलेबस है जो कि बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है इस बार। जैसे प्रीवियस में चला आ रहा था वैसे ही आ रहा है। जैसे कि आपको पहले भी रीजनिंग के 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते थे, अभी भी 25 क्वेश्चन, ये सारे यानी कि 100 क्वेश्चन जो है वो आपको 200 नंबर्स के देखने के लिए यहाँ पे मिलते हैं। 1 घंटे में यानी 60 मिनट में आपको करना होता है। तो ये टायर वन का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। टायर टू के सिलेबस के बारे में हम लोग बातें कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। सिलेबस का कंपेरिजन हमने वो किया है, पिछले वीडियो अपलोड किया गया है तो आप लोग देख सकते हैं। बाकी हम लोग बात करते हैं सेफ स्कोर की। क्या क्या स्कोर सेफ रहा है, जो लोग भी एग्जाम दे दे चुके हैं या फिर आने वाले एग्जाम दिनों में जिनका एग्जाम है वो कैसे करके अपनी तैयारी करें ताकि उस स्कोर तक पहुंचे। तो स्टूडेंट आपको पता है पहली बार एसएससी में सीजीएल की अगर मैं बात करूं तो 20,000+ वैकेंसी जो है वो आपको देखने के लिए मिली। तो इतनी बड़ी वैकेंसी है, तो उस वैकेंसीज को देखते हुए, और अब क्या है, पहले प्री क्वालिफाइंग नहीं था, प्री के नंबर्स भी टोटल ओवरऑल जो मेरिट थी उसमें जुड़ता था तो प्री में भी नंबर ऐड होता था। अभी क्या है, अभी प्री को क्वालिफाई कर दिया गया है, तो क्वालिफाइंग नेचर को देखते हुए वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसीज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया है। उसको देखते हुए, ये सारी चीज़ें देखते हुए, कई सारे जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्या हमारा सेफ स्कोर है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। उससे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देख लेते हैं। जैसे 2018 में अगर मैं बात करूं टायर वन का, 1367 यानी कि 137 नंबर था आउट ऑफ 200, ठीक है। 2019 में ये सीधे 10 नंबर बढ़ गया, 2020 में ये कम हुआ यानी कि 132 हुआ, और 2021 में 130 हुआ। यानी आपने देखा कि 2021 जैसे जैसे ईयर्स क्या है, 2021 2022, इसमें क्या है जो टायर वन का कट ऑफ है वो कम होता दिखाई दे रहा है। वो रीजन रहा होगा, जो भी वैकेंसीज हो सकता है बढ़ी हो, बाद में आके वैकेंसीज बढ़ी, या फिर पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा कर दिया गया जिसकी वजह से ये हुआ हो, या फिर इस बार जो है इस बार चेंजेस देखने के लिए आपको इसलिए मिलेंगे विद्यार्थियों, क्यों, क्योंकि आपको जो प्री है ना वो क्वालिफाइंग कर दिया गया है। प्री केवल और केवल आपको क्वालिफाई करना है, अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपका कट ऑफ डेफिनेटली नीचे जाएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ठीक है। देखिए जैसे हमारे हिसाब से एक्सेप्टेड कट ऑफ जो होगा वो 125+-5, हो सकता है कि 125+5 हो या हो सकता है 125-5 हो, यानी 120 से 130 के बीच में एक्सेप्टेड कट ऑफ बनता है इस बार के पेपर्स और कई सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। अगर मैं बात करूँ सेफ स्कोर की, जो स्टूडेंट सेफ स्कोर की अगर बात करना चाहता है तो स्टूडेंट सेफ स्कोर आपका होगा अगर आप 120+ गए हैं, आपके अकॉर्डिंग आप अगर 120+ चले गए हैं तो प्री क्वालिफाइंग करने के आपके चांसेस हैं। मेरे हिसाब से आप 120 चले गए हैं तो आप प्री क्वालिफाई कर रहे हैं। अब आप मेंस की तैयारी कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए अपनी मेंस की तैयारी, क्योंकि अगर आप 120+ हो रहे हैं तो बिना झिझक के आप, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट मैंने बताया आपको कि प्री इस बार क्वालिफाइंग है और इस बार थोड़ा सा वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज़्यादा हैं तो उसकी वजह से जो कट ऑफ होगा वो थोड़ा कम होगा। तो इस वजह से आप जो लोग भी चले गए हैं 120+, वो मान के चलें कि आप इस बार प्री क्वालिफाइंग हैं। आप मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। आगे जो लोग एग्जाम देने वाले हैं वो लोग भी दिमाग में ये रख के एग्जाम दीजिए कि आपको 125+ लाना ही लाना है अगर आपको आगे देना है। बाकी जो लोग दे चुके हैं 120+ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है।
एग्जैक्ट मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन चांसेस ऐसे हैं, कई सारे पॉइंट को मैंने जो बताया उसको देखते हुए चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि आप 120 प्लस में क्वालिफाई कर जाएंगे। एसएससी की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, चूंकि एसएससी सीजीएसएल में भी अब मेंस जुड़ चुका है और सीजीएल में मेंस ऑलरेडी उसका जो सिलेबस है वो जान चुके हैं आप लोग, तो 10 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच में जो लोग भी अनअकैडमी से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। मेगा ऑफर है आपके लिए, 20% ऑफ है और बहुत ही बड़े पैमाने पे यहाँ पे आपको क्या है, छूट मिलने वाले स्टूडेंट आपके फीस में, बहुत ही कम फीस में आपको 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, 6479 ये है आपकी फीस जो है प्लस की, और आइकॉनिक का फीस जो है वो 9935 है। तो आप जल्दी से इसको अवेल करें और 10 से 16 तारीख के बीच में, 10 से 16 दिसंबर के बीच में आप PMYT कोड यूज़ करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी तैयारी जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाइए और अपनी नौकरी पक्की कीजिए। सो थैंक यू सो मच, बाय।